हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल चरक ऑनलाइन आयुर्वेदा। सो टुडे स्टार्ट फ्रॉम दी पेज नंबर 31। सो लेट स्टार्ट दी ऑडियो। सुश्रुता अनुसार सर्पी विशारद हीन बुद्धि व वातपैतिक विकारों में उपयोगी। तैल उव्यसन कफ मेद व कृमि कोष्ठ में उपयोगी। वसा तीव्र अग्नि वाले एवं वायु हो जिसका प्राण है ऐसे लोगों में उपयोगी। मज्जा क्रूर कोष्ठ में एवं वातज विकारों में उपयोगी। रोग अनुसार इस नेपाक का प्रयोग। मृदुपाक चरक नस्य सुश्रुत पान। मध्यपाक चरक पान व बस्ती में सुश्रुत नस्य एवं अभ्यंग। खरपाक चरक अभ्यंग सुश्रुत वस्ती व कर्णपूरण में। शारंगर ने मध्यपाक सर्वकर्म हेतु उपयोगी बताया है, शेष चरकपति कहा है। स्नेह सिद्धि के लक्षण। चरक फेन आगम सर्पी सिद्धि, फेन शांति तेल सिद्धि। सुश्रुत एवं शारंगर फेन आगम तेल सिद्धि, फेन शांति सर्पी सिद्धि। गर्भ का मास अनुमासिक विकास। प्रथम मास चरक खेट भूत सत व असत रूप, सुश्रुत कलल रूप। द्वितीय मास चरक घन स्वरूप घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुद नपुंसक। सुश्रुत महाभूतों से पाक घन अर्बुद पेशी स्वरूप। तृतीय मास चरक सुख दुख की वेदना दोहर्द उत्पत्ति सर्वेंद्रियाम एवं सर्वावयवों की उत्पत्ति स्पंदन प्रारंभ। सुश्रुत हस्त पाद शिर व पंच पीड़िकाओं का निर्माण। अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म। चतुर्थ मास चरक गर्भ की स्थिरता बढ़ती है, गर्भिणी का शरीर भार बढ़ जाता है। सुश्रुत गर्भ हृदय व चेतना का प्रादुर्भाव, गर्भिणी की दोहर्द संज्ञा। अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त। पंचम मास चरक गर्भ के मास व रक्त की अधिक वृद्धि, गर्भिणी कृश हो जाती है। सुश्रुत मनः प्रतिबुद्धतरं भवति। षष्ठम मास चरक बालक के बल वर्णादि की वृद्धि, फलतः गर्भिणी के बल व वर्ण की हानि होती है। सुश्रुत षष्ठे बुद्धि। सप्तम मास चरक गर्भ संपूर्ण भावों से पुष्ट, गर्भिणी कलांततम। सुश्रुत सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ता तरह। काश्यप गर्भ त्रिदोषयुक्त। पेज नंबर 32। अष्टम मास चरक ओज का आदान प्रदान, सुश्रुत ओज की अस्थिरता नैरर्थ को बलि। नवम मास चरक आठवें मास के एक दिन पश्चात से ही प्रसव काल प्रारंभ, जो कि 10 मास तक विघ्न रहित माना जाता है। सुश्रुत 9 से 12 मास तक प्रसव काल। आधुनिक मतानुसार गर्भ का मास अनुमासिक विकास। प्रथम मास लंबाई 4 मिलीमीटर, भार 1.25 से 1.50 ग्राम। एम्ब्रियो जायगोट से 1000 गुना बड़ा हो जाता है। तीसरे सप्ताह में हृदय में सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ, तंत्रिका तंत्र पाचन तंत्र एवं वृक्कों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय मास लंबाई 4 सेंटीमीटर, नाक कान व पलकों की आकृति परिलक्षित। तृतीय मास लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर, भार 20 ग्राम। स्वर यंत्र औष्ठ व एवं बंद नेत्र पलकों का निर्माण हो जाता है। गर्भ निगरण व श्वसन क्रिया कर सकता है। ऑसिफिकेशन सेंटरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हाथ पैर की अंगुलियां स्पष्ट हो जाती हैं एवं उन पर नाखूनों के निशान बनने लगते हैं। गर्भ का लिंग स्पष्ट हो जाता है। चतुर्थ मास लंबाई 22 सेंटीमीटर, भार 240 ग्राम। गर्भ रोमो एवं लैनुगो का प्रादुर्भाव। गर्भ रोमो एवं लैनुगो का प्रादुर्भाव। वर्निक्स कैसियोसा का निर्माण प्रारंभ। चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाती है।
माता को गर्भ स्पंदन की अनुभूति प्रारंभ। पंचम मास, लंबाई 30 सेंटीमीटर, भार एम, फैट डिपोजिशन प्रारंभ, आंतों में मिकोनियम का प्रादुर्भाव प्रारंभ। षष्ठम मास, लंबाई 33 सेंटीमीटर। नाउ पेज नंबर 33। भार 1 किलोग्राम, भौहों का प्रादुर्भाव, वृषणों की स्थिति वृक्कों के समीप, आंखें खोलवा बंद कर सकता है, चिल्लाने का सामर्थ्य भी आ जाता है। सप्तम मास, लंबाई 40 सेंटीमीटर, भार 1.5 किलोग्राम, प्रायः सभी तंत्रिकीय रिफ्लेक्स स्थापित हो जाते हैं, वृषणों का इंग्वाइनल कैनाल में प्रवेश, लेनिगो अदृश्य होना प्रारंभ हो जाते हैं, फुफ्फुस परिपक्व हो जाते हैं। अष्टम मास, लंबाई 43 सेंटीमीटर, भार 2 किलोग्राम, वृषण कोश में उतर जाते हैं। नवम मास, लंबाई 47 सेंटीमीटर, भार 2.5 किलोग्राम, सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण, सुश्रुत। तृतीय मास, इंद्रिया सूक्ष्म। चतुर्थ मास, इंद्रिया प्रव्यक्त। सप्तम मास, इंद्रिया प्रव्यक्ततर। दोहदावस्था, चरक। तृतीय मास, सुश्रुत। चतुर्थ मास, वाग्भट। तीन पक्ष से पांच मास तक, काश्यप। तृतीय मास, गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति, शिर। चरक, कुमार, शिरा, भारद्वाज, सुश्रुत, शौनक। हृदय, चरक, कांकायन, सुश्रुत, कृत, वीर्या। नाभि, चरक, भद्रकाप्या, सुश्रुत, पाराशर। गुदा, चरक, भद्र, शौनक, सुश्रुत, पाणिपाद, मार्कंड। हाथ पैर, चरक, बडीश, सुश्रुत, मध्य शरीर, सुभूति, गौतम। इंद्रिया, चरक, वैदेह, जनक, अचिंत्य। चरक, मरीच, काश्यप। सर्वांग, चरक, आत्रेय, सुश्रुत, सर्वांग, धन्वंतरी। सुश्रुतानुसार सर्पी विशारद, हीन बुद्धि व वातपैतिक विकारों में उपयोगी, तैल, उव्यसन, कफ मेद व कृमि कोष्ठ में उपयोगी, वसा, तीव्र अग्नि वाले एवं वायु हो जिसका प्राण है ऐसे लोगों में उपयोगी, मज्जा, क्रूर कोष्ठ में एवं वातज विकारों में उपयोगी। रोग अनुसार इसने पाक का प्रयोग, मृदुपाक, चरक, नस्य, सुश्रुत, पान, मध्यपाक, चरक, पान व बस्ती में, सुश्रुत, नस्य एवं अभ्यंग, खरपाक, चरक, अभ्यंग, सुश्रुत, वस्ती व कर्णपूरण में। शारंगर ने मध्यपाक सर्वकर्म हेतु उपयोगी बताया है, शेष चरकपति कहा है। स्नेह सिद्धि के लक्षण, चरक, फेन आगम, सर्पी सिद्धि, फेन शांति, तेल सिद्धि। सुश्रुत एवं शारंगर, फेन आगम, तेल सिद्धि, फेन शांति, सर्पी सिद्धि। गर्भ का मास अनुमासिक विकास, प्रथम मास, चरक, खेटभूत, सत्व, असत रूप, सुश्रुत, कलल रूप। द्वितीय मास, चरक, घन स्वरूप, घन, पुरुष, पेशी, स्त्री, अर्बुद, नपुंसक, सुश्रुत, महाभूतों से पाक, घन, अर्बुद, पेशी स्वरूप। तृतीय मास, चरक, सुख दुख की वेदना, दोहर्द उत्पत्ति, सर्वेंद्रियाम एवं सर्वावयवों की उत्पत्ति, स्पंदन प्रारंभ। सुश्रुत, हस्त, पाद, शिर व पंच पीड़िकाओं का निर्माण, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म। चतुर्थ मास, चरक, गर्भ की स्थिरता बढ़ती है, गर्भिणी का शरीर भार बढ़ जाता है। सुश्रुत, गर्भ, हृदय व चेतना का प्रादुर्भाव, गर्भिणी की दोहर्द संज्ञा, अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त। पंचम मास, चरक, गर्भ के मास व रक्त की अधिक वृद्धि, गर्भिणी कृश हो जाती है। सुश्रुत, मनः प्रतिबुद्धतरं भवति।
षष्ठम मास चरक। बालक के बल व नाधि की वृद्धि फलतः गर्भिणी के बल व वर्ण की हानि होती है। सुश्रुत षष्ठे बुद्धि। सप्तम मास चरक। गर्भ संपूर्ण भावों से पुष्ट, गर्भिणी कलांततम। सुश्रुत सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्ता तरह। काश्यप गर्भ त्रिदोषयुक्त। पेज नंबर 32। अष्टम मास चरक। ओज का आदान प्रदान। सुश्रुत ओज की अस्थिरता, नैरर्थ को बलि। नवम मास चरक। आठवें मास के एक दिन पश्चात से ही प्रसव काल प्रारंभ, जो कि 10 मास तक विघ्न रहित माना जाता है। सुश्रुत 9 से 12वें मास तक प्रसव काल। आधुनिक मतानुसार गर्भ का मास अनुमासिक विकास। प्रथम मास लंबाई 4 मिलीमीटर, भार 1.25 से 1.50 ग्राम। एम्ब्रियो जायगोट से 1000 गुना बड़ा हो जाता है। तीसरे सप्ताह में हृदय में सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र एवं वृक्कों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय मास लंबाई 4 सेंटीमीटर, नाक, कान व पलकों की आकृति परिलक्षित। तृतीय मास लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर, भार 20 ग्राम। स्वर यंत्र, औष्ठ व एवं बंद नेत्र पलकों का निर्माण हो जाता है। गर्भ निगरण व श्वसन क्रिया कर सकता है। ऑसिफिकेशन सेंटरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हाथ पैर की अंगुलियां स्पष्ट हो जाती हैं एवं उन पर नाखूनों के निशान बनने लगते हैं। गर्भ का लिंग स्पष्ट हो जाता है। चतुर्थ मास लंबाई 22 सेंटीमीटर, भार 240 ग्राम। गर्भ रोमो एवं लैनुगो का प्रादुर्भाव। वर्निक्स कैसियोसा का निर्माण प्रारंभ। चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाती है। माता को गर्भ स्पंदन की अनुभूति प्रारंभ। पंचम मास लंबाई 30 सेंटीमीटर, भार एम, फैट डिपोजिशन प्रारंभ। आंतों में मिकोनियम का प्रादुर्भाव प्रारंभ। षष्ठम मास लंबाई 33 सेंटीमीटर। नाउ पेज नंबर 33। भार 1 किलोग्राम। भौहों का प्रादुर्भाव। वृषणों की स्थिति वृक्कों के समीप। आंखें खोलवा बंद कर सकता है। चिल्लाने का सामर्थ्य भी आ जाता है। सप्तम मास लंबाई 40 सेंटीमीटर, भार 1.5 किलोग्राम। प्रायः सभी तंत्रिकीय रिफ्लेक्स स्थापित हो जाते हैं। वृषणों का इंग्वाइनल कैनाल में प्रवेश। लैनुगो अदृश्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। फुफ्फुस परिपक्व हो जाते हैं। अष्टम मास लंबाई 43 सेंटीमीटर, भार 2 किलोग्राम। वृषण कोश में उतर जाते हैं। नवम मास लंबाई 47 सेंटीमीटर, भार 2.5 किलोग्राम। सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण। सुश्रुत तृतीय मास इंद्रिया सूक्ष्म। चतुर्थ मास इंद्रिया प्रव्यक्त। सप्तम मास इंद्रिया प्रव्यक्ततर। दोहदावस्था चरक। तृतीय मास सुश्रुत। चतुर्थ मास वाग्भट 3 पक्ष से 5 मास तक। काश्यप तृतीय मास। गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति। शिर चरक कुमार शिरा भारद्वाज। सुश्रुत शौनक। हृदय चरक कांकायन। सुश्रुत कृत वीर्या। नाभि चरक भद्रकाप्या। सुश्रुत पाराशर। गुदा चरक भद्र शौनक। सुश्रुत पाणिपाद मार्कंड्य। हाथ पैर चरक बडीश। सुश्रुत मध्य शरीर सुभूति गौतम। इंद्रिया चरक वैदेह जनक। अचिंत्य चरक मरीज काश्यप। सर्वांग चरक आत्र्य। सुश्रुत सर्वांग धन्वंतरी।